What are you thinking? So it's such a different thing. नहीं ये है डंकन, इसके जो है ना मैंने वो सुना है कि कॉफ़ी डोनट्स नहीं, डोनट्स इतने कुछ खास नहीं लगते ये, लेकिन कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है इसकी कभी। फ्रेंड्स ये है, इतने का ये बिल बना है और 7476 इतने का बिल बना है। ठीक है, मतलब नॉट बैड। ये पीछे ना बस नज़र आ रही होगी, इसी बस से मैं आई हूँ और इसी से वापस जाना है जो मैं अंदर पार्क करके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू द हौरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह का व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वो एक शायर के नाम पे एक जगह है। आपको ये भी हिंट दे देते हैं कि चलें वो एक खाने की जगह है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी जगह हो सकती है, और मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए यार। तो अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे साथ जो दो लोग जा रहे हैं अभी तक वो रेडी हो रहे हैं, हमेशा उनका यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट। फ्रेंड्स हम लोग दोनों रेडी हैं, ये मैं तो पहले से ही रेडी थी, ये है जो अब जाके रेडी हुई है करीब 1.5 घंटा। नहीं जी, ये मुझसे पहले की थी, फिर भी अभी भी शीशे के आगे खड़ी थी, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो जाहिर सी बात है मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे तो अच्छा दिखना है कि नहीं दिख रहा, फिर आप लोग लाइक कैसे देंगे? हाँ वैसे भी एक तो आप लोग वैसे ही लाइक नहीं देते ना, सब्सक्राइब करते हैं। तो हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं, अभी जो तीसरा है वो तीसरा वाला जो बंदा है वो हमेशा लेट करता है, वो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था। हालांकि लड़का होकर इतना टाइम लगा था, हम दोनों रेडी हो वाइन टाइम पे तैयार होते हैं हम लोग पहले ही। उसके अभी जो है ना जूते रह गए, तो बस वो जूते पहनने के लिए गया, उसके बाद बस हम लोग निकलने ही वाले हैं और फिर किन किन रास्तों से होते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर वहीं पहुँच के डायरेक्टली मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये जो नाम है रेस्टोरेंट का, मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि किसी शायर के नाम पर, और वो कौन सा शायर है और है भी कराची में ना, तो ये ज्यादा इंटर जाएगी। आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग। चलो मैं उस साइड से बैठती हूँ, मिलके ऐसा करती हूँ, ठीक है? नहीं लाइट रात में बंद ही ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, ये गजरे वाले अंकल नज़र आ गए, तो हम लोग काफ़ी आगे जा चुके थे, जब पीछे मुड़ के देखा तो ये मैडम गायब थी, और पता चला तो ये गजरे यहाँ पे ख़रीद रही हैं, इनको टोटली क्रेज़ है गजरों का, जिसकी वजह से वहीं पे रुक गई और ये अंकल 300 के दो पेयर्स दे रहे थे। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएँ कि कौन कौन सी लड़कियाँ हैं जिन्हें गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे 50-50 कह सकते हैं अच्छे लगते हैं।
तो जैसे ही इंटर हुआ सबसे पहले ये ऐसा कुछ सीन नज़र आया, वहाँ पे जो है एक वॉचमैन खड़े थे। उसके बाद फिर अंदर गए, नीचे बहुत सारे टेबल्स लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि नीचे ही सारे सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन बाद में पता चला कि गालिब जो है वो रूफ टॉप पर है, तो इसीलिए हमें लिफ्ट से होते हुए ऊपर जाना था। लेकिन नीचे का भी काफ़ी अच्छा था, और सामने जो है वो फूड बाज़ार था कि क्या था वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले ऊपर जाके खाना वाना खा के नीचे आते हैं, उसके बाद बताते हैं। नीचे भी आना है हम लोगों ने, पूरा देखना है। हाँ ना, वैसे भी उन्होंने ऊपर का ही बोला था, ऊपर का ही बोला था, नीचे है। हाँ ठीक है, चलो तो वापस खुल जाएगी क्या? रिजर्वेशन करवाई लिए। एक्सक्यूज मी, आपने बात की है? सो फ्रेंड्स, ये है गालिब, ये ऊपर की साइड पर है। पहले तो मुझे लगा था कि नीचे है, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये लिफ्ट से ऊपर आए हम लोग, ऊपर है। कौन से टेबल पे बैठेंगे? तो चलें सबसे पहले मेन्यू डिसाइड करके ऑर्डर दे देते हैं, ताकि सुकून से वीडियोस बना सकें। तो ये मेन्यू कार्ड था गालिब का, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा लग रहा था, हर कॉर्नर पर शेर लिखा हुआ था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अलग लगी। बाकी यहाँ पर स्टार्टर्स, चाट, कढ़ाई, बारबेक्यू, हांडी, हर तरीके की चीज़ें थी। और यहाँ पर प्लेटर भी था जो कि 3000 का था, उसके अंदर जितने भी कबाब वगैरह राइस के ऊपर बना कर ये लोग देते हैं। तो हम लोगों के लिए तो वो थोड़ा सा समझ से परे ही था, क्योंकि सबको अपनी अपनी चीज़ खानी थी, तो कोई भी एक ही चीज़ पर एग्री नहीं था कि हम वही मंगवा लें। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम क्या मंगवाएं। आप लोग चाहें तो सब मंगा सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो। तो अभी मैं सोच रही हूँ, तब तक आप लोग मुझे कोई गालिब का अच्छा सा शेर कमेंट करके बताएं, जैसे कि ये लिखा है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और, वाह वाह ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गालिब। अब बाहर से तो ये ऐसा नज़र आ रहा था, क्योंकि हैबिट बिल्कुल इसके बराबर में था ना, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके अंदर आना कैसे, मतलब एंट्री कैसे इस साइड पे ना। तो हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हुई ढूंढने में, बट ये है कि ये ऊपर रूफ टॉप है ना, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इशू हुआ ढूंढने के लिए। ऐसा लगा था कि ये नीचे है, खैर ये नीचे मैंने ज़्यादातर देखा है कुछ चीज़ें वगैरह, लेकिन हम लोगों ने ऊपर चीजें वगैरह क्या कौन सी पता नहीं, मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल तो छोड़ा इसको। सबसे पहले तो आप लोग ये मेरे बैग पे देखें, ये यहाँ की ऐसे लोकेशन है, ये इसका व्यू है। और यहाँ पे जो है डिसेबल जो पर्सन है ना, उनके लिए भी व्हील चेयर्स का इन्होंने बाकायदा इंतजाम किया हुआ है। और ये इसकी लाइटिंग वही हमेशा की तरह डिम लाइट है। और यहाँ पे साइकिल खड़ी की है पुराने ज़माने की, इसके ऊपर बैठ के पिक्चर ले सकते हैं। ये देखिए, ये एक साइकिल, ये साइकिल वाला ऑटो है। अगर आप लोगों को जैसे कि कोई रास्ते में वापसी में कोई गाड़ी ना मिल रही हो या गाड़ी ख़राब हो गई हो, तो आप ये गाड़ी लेके निकल सकते हैं। गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये बात का ख्याल रख लें कि यहाँ पर बुकिंग पहले से ही करवा लें, ख्वाज होने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रश देखकर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन लोगों को बिठा के, क्योंकि हमारा ऑर्डर आने वाला था, तो मैंने दूसरी साइड पर आ गई अपनी पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि ये तीन पोर्शन में बनाया हुआ था, फैमिली के लिए अलग था, बाकी मिक्स थे कुछ, और एक जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट जिसे करवानी हो अपनी बर्थडे वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ था, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं वीडियो में। और ये ऊपर का पूरा नज़ारा ऐसे था, और साइड में जो है एक डेकोरेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ऑटो खड़ा कर दिया था, वो भी साइकिल वाले, तो लोगों ने उसको भी पिक्चर लेने का ज़रिया बना लिया। तो यहाँ पर नाइट व्यू था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम अपनी वेट कर रहे थे कि हमें पिक्चर लेनी है, वो आंटी अंकल वहाँ से फारिग हों तो हम पिक्चर लेंगे, ये मैं फ़ोटोग्राफर साथ रखा हुआ। तो हमारा जो है फ़ोटोशूट हो चुका है, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे पिक्चर्स ले लिए हैं। अब मेरा जो है सूट आया हुआ है, तो मैं अपना सूट पी लूँ, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा व्लॉग बनाने के चक्कर में। मेरा सूप भी ठंडा हो गया, ये मेरा चिकन कॉर्न सूप है, इसके साथ फिर मैंने मंगवाया है ये पिज़्ज़ा, ये फजीता फ्लेवर है। वैसे तो ये बहुत आराम से सस्ता मिल जाता है, यहाँ से ये करीबन 1590 रुपए का है मीडियम। ये चिकन वाइट कढ़ाई है, और प्रॉन मसाला है, और चाट मंगवाई है। ये पिज़्ज़ा ऐसा था, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा था ओवन में बना है, लग रहा जैसे वो ठेले वाली चाट होती है ना, वही 50 रुपये की वैसी है। लेकिन यहाँ पर ये चाट है करीबन
250 या पता नहीं 280 रुपये है। टेस्ट करके बताती हूँ कैसी चाट है। मीठी है बिल्कुल। मैं इसको 10 में से 4 नंबर दूँ। जनता माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जो पिज्ज़ा है ना उसको मैं 6 out of 10 दूँ। ये टेस्ट करके बता दूँ कैसे। फ्रेंड्स मेरा तो खाना हो गया है, बाकी के ये जो है ना लगे हैं मैं अभी भी खाना खाने में। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ और उनके प्राइजेस भी। मैंने मंगवाया था पिज्ज़ा, सॉरी हाफ अजीता मंगवाया था पिज्ज़ा बट विद ओवन था, तो उसके जो हैं 1390 प्राइस हैं और वो मीडियम है, ज़्यादा लार्ज नहीं था। और एक मैंने मंगवाई थी चाट, मिक्स चाट थी, लेकिन वो चाट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि मीठी थी और मीठी चीज़ें मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं होती। और क्या मंगवाया था और क्या था, हाँ और चिकन कॉर्न सूप, वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वहाँ का सूप मैं लाजमी ट्राई करती हूँ। यहाँ का सूप मुझे ओके लगा, मैं 5 out of 10 सूप को। और वाइट कढ़ाई मंगवाई थी जो मैंने खा ली, ये मेरा भाई है और ये जो खाते हैं। और प्रॉन मसाला था, प्रॉन्स थे वो भी इन्होंने ही खाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पीना कोलाडा मैंने मंगवाया, इसके प्राइस शायद 390 या 350 है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको मैं 10 out of 10 दूँ। बाकी मैं अगर बात करूँ यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। लोगों को दिखाती हूँ जो खा लिया। खाने के बारे में क्या आपका रिव्यू है, क्या देंगी? खाना 4 out of 10 में से 5। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। और कढ़ाई वो भी सही थी लेकिन मसाला कम था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था ना कि हम जो है इसको क्रीमी और मलाई कढ़ाई है विदाउट मसाला, यानी कि कम मसाला होगा। पिज्ज़ा 10 में से 6। और प्रॉन्स की एक डिश थी वो तो मैं खाती नहीं लेकिन टेस्ट नहीं है। और इसके बारे में क्या कहें, हाँ ये बहुत मज़ेदार था और पेप्सी सबसे अच्छी थी। और तीसरे का भी देखिए जी, बोलिए खाना कैसा था, फ्री का खा के कैसा लगा? इस जगह पर मैंने टेबल लिया है अपना और मैं आपको ये पीछे ना बस नज़र आ रही होगी, इसी बस से मैं आई हूँ और इसी से वापस जाना है जो मैं अंदर पार्क करके आई हूँ। इस साइड पर क्या है गाइस, इस साइड में लोगों का किचन है, किचन में छापा मारते हैं क्या चल रहा है इनका। ये अच्छा यहाँ पर जो है ना बिल की पेमेंट आप कार्ड से भी कर सकते हैं जी। यही है वो बस, N5 बस है, इसी से ना आई हूँ और इसी से वापस जाना है मुझे। ये वाला इनका सेकंड पोर्शन है जो बिल्कुल किचन के सामने है। अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे वही वाला ले लेना चाहिए था ट्री वाला, क्योंकि वो खुली हवा भी आ रही थी वहाँ से, ओपन आसमान था, अच्छा लग रहा था। और इन दोनों को और कोई जगह नहीं मिली बीवियों की, खत्म नहीं होता बे, आगे खड़े हुए। और ये जो है सामने वाला जो शीशे वाला, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फैमिली के लिए हो क्योंकि टोटल 3 पोर्शन में बनाया हुआ है ये। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो बस है इतनी बड़ी बस, उसको अंदर कैसे लेकर आए होंगे ये लोग। ये हाँ मैंने सही बोला था, बिल्कुल फैमिलीज़ के लिए हैं ये टेबल, बड़े बड़े टेबल लगाए हुए हैं और अंदर भी डेकोरेट किया हुआ है यार, ऐसा लग रहा है किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। हमको भी अंदर आने दो। तो फ्रेंड्स जो हमने खाया है वो ये, बाकी का जो बचा है उसको मैंने पार्सल करवा दिया। और बिल है वो बिल मैं आपको दिखाती हूँ कितने का बिल आया। 7476 कितने का बिल बना है, ठीक है मतलब नॉट बैड। चलें बस अब हम चलते हैं अपनी। अच्छा ऊपर जाने से पहले हम लोगों ने ये नीचे देखा तो था कि कुछ था, मुझे लगता है अच्छा, तो मेरी जो बहन है वो इसी के बारे में बता रही थी नीचे का। मैं नीचे आई हूँ तो इसने बताया कि अंदर भी कुछ है, तो ये बाज़ार टाइप का है ये, क्या कि वेलफेयर लगाया हुआ है, किस चीज़ का, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी हैं, अब अंदर जाके देखने का तो टाइम है नहीं क्योंकि जल्दी 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 कर रहे हैं लोग, निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी।
वो किस चीज़ का है उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अंदर जाके उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। नेक्स्ट टाइम फिर कभी देखेंगे। और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों को एक और चीज़ करनी है कि कोई भी गालिब का शेर अगर आप लोगों को आता है तो ज़रा कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने लोग जो हैं वो गालिब के फ़ैन हैं और गालिब के अलावा और कौन कौन से शायर हैं जिनके नाम आप लोगों को याद हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखिए अल्लाह हाफ़िज़।